नंबर था 36 था ना, आज कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा बच्चा? 37। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट हम थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से कर लेते हैं। cot raised to 4a minus 1 is equals to cosec की पावर 4a minus 2 cosec square a। तुम लोगों को जो सूझ रहा है एक बार सोच लो, फिर अपन इसके आगे बढ़ेंगे। वैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम देखो तुम्हारा आरएचएस पूरा कोसेक से भरा हुआ है, कुछ नहीं, हर कॉट को कोसेक है, हर चीज को कोसेक में चेंज करना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस वन, और देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन था। इधर उधर करोगे तुम लोग तो कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा भाई लोग। तो कुछ नहीं, इस जगह के लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, वो इसकी जगह का हुआ और ये माइनस वन जो था वो है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या हो गया बेटा मेरे लिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बेटा वो इतने चीज का खोला है मैंने, ठीक है ना। अब ये इसका माइनस वन मेरा माइनस वन जैसा आया है, तब ये क्या हो जाएगा, चलो मेरे लिए कोसेक की पावर फोर ए माइनस टू कोसेक स्क्वायर ए, ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, हो गया मेरा आरएचएस के बराबर। कुछ नहीं, अपन लोगों ने क्या किया बच्चों लोग, इसके अंदर कॉट स्क्वायर कॉट की पावर फोर ए को कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर लिखा है। जैसे ही वो किया उसके बाद में अपनी लाइफ इजी हो गई थी, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए को मैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन कर सकता था। अब ये क्योंकि उसका होल स्क्वायर चल रहा है उसको मैंने ये खोल दिया। गाइस 7:11 हुआ है, 7:13 तक का इसमें टाइम है, फट से कीजिए इस चीज को। Ekansh, if you are unwell, you can leave. Ekansh, if you are unwell, you can leave. हाँ बेटा बोलो। सर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते ना, तू कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इनटू कॉट स्क्वायर ए माइनस वन अगर करती भी तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन जो होता उसको तू कोसेक स्क्वायर लिख देती थी, कि कॉट स्क्वायर ए माइनस वन जो होता तेरा उसमें जो कॉट स्क्वायर ए को वापस से वो लिखना ही पड़ता बेटा, फिर तू ओपन करती तो भी तेरा आंसर आता था। तो यस तू कर सकती है उसको, नहीं सेकंड स्टेप में यूज करे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन द होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, हाँ वो भी कर सकती है, फाइन। अबे तो मेरे को एक चीज बता, तेरा बोलना तो यहाँ पे क्या a प्लस b इनटू a माइनस b लगाने की बात कर रही है अब? हाँ हाँ वो भी कर सकती है, यस ओके, फिर तेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव, यस तेरे को डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ती थी। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। अब गाइस जस्ट आस्किंग, डू यू गाइस रिमेम्बर हमने पॉलीनोमियल में वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिटी सीखी थी, क्या थी? हाँ. वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा इनटू बीटा। जिनको याद नहीं है ये कोई बात नहीं, देखो अपन लोग उसको डिराइव वापस से कर रहे हैं। ए प्लस बी वैसे होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर,
अगर ये 2ab को मैं यहाँ भेज दूंगा तो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज ही एग्जैक्टली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नंबर 38 में यूज हो रही है। हमारा 38th क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो बेटा प्लीज एक बार के लिए आप सॉल्यूशन को समझिए। देखो साइन की पावर 4a को मैं साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिख रहा हूँ, कॉस की पावर 4a को मैं कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो देखो ये हो गया है मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 a b। देखो एक बार साइन की पावर 4a को मैंने साइन स्क्वायर a का स्क्वायर लिखा है, कॉस की पावर 4a को मैंने कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर लिखा है। अभी के लिए इसको तुम पढ़ो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 a इंटू b, ठीक है। अब बच्चा देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है इसका मतलब तो 1 होता है, 1 स्क्वायर माइनस 2 ये जो भी साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर a b नहीं होता, सॉरी माय बैड a था क्या, ये होना चाहिए। तो आंसर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर है जो कि तुम्हारा RHS के बराबर है। समझा भाई लोग क्या हुआ ये भाई, समझा गए ये चीज? हाँ सर, यस। चलिए 7:15 हुआ है, 7:18 तक का टाइम है, खुद से 7:18 नहीं 7:17 बहुत हो जाएगा भाई, 7:18 तो खुद से करिए इसको। सर इसमें तो अभी एंगल्स चेंज नहीं होते ना, जैसे वापस साइन ये दिया है तो वो cos ही रहेगा ना। यस वैसे एक चीज बता देता हूँ क्योंकि ये पूछा गया है, वैसे को तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है दैट डज नॉट मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी तुम्हारा वन हो जाएगा, नो, ठीक है ना। साइन और कॉस के एंगल सेम होने चाहिए वहां पे, तुमको वैसे है नहीं वो चीज है बट अगर कभी आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों लोगों के। जिनका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा उनको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन समझ लीजिए, बस एलसीएम उलसीएम लेना पड़ जाएगा और सॉल्व करना पड़ जाएगा। जिनका वो 38th हो जाएगा वो 39th में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। हो गया क्या गाइस ये वाला 38? हाँ सर। 39th वाला चलो मैं आप लोगों को और एक मिनट देता हूँ, एग्जैक्टली एक मिनट फ्रॉम नाउ कुछ नहीं, एग्जैक्टली सेम एलसीएम लेना पड़ेगा आप लोगों को, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, फिर डिनोमिनेटर में अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है वो अपना अपना अपने अपने को दे देना, तुम्हारा आंसर आना शुरू हो जाएगा गाइस।
चलिए अब गाइस देखते हैं यार, एग्जैक्टली ऊपर का ही क्वेश्चन है यार। देखो क्या बन रहा है, ये साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a द होल ओवर साइन स्क्वायर a इनटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, सॉरी बोरी गंदा हो गया, द होल ओवर साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, जिसे मैं क्या करूंगा, चलो को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी द होल ओवर, ये जो था डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच्चा लोग वन उसका स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए द होल ओवर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए द होल ओवर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब अपना अपने 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 को दोगे तुम लोग तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस टू अपॉन टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा तो तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो जो कि तुम्हारे आर एच एस के बराबर आ गया। तो बेसिकली जो तुमने ऊपर किया ना भाई लोग एग्जैक्टली वही चल रहा था, सिर्फ डिनोमिनेटर में यहाँ पे आखिरी तक अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए चल रहा था, अब वो वन को मैंने अपना खुद का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दे दिया और ये टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को अपना साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दे दिया, तो वहां पे वो देखो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर था ये और ये कट गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल। समझा गया ये क्या हुआ है, ट्वेंटी वन हुआ है, ट्वेंटी थ्री जैसे ही होगा आई स्विच। हाँ कौन बता एक बार फिर से बच्चा, देख शिवानी एक सेकंड क्या इसका एक सेकंड इसका नाम क्या बच्ची का, अब नहीं सही है तेरा भी, देख शिवानी तेरे को ये चीज समझे के यहाँ पे एलसीएम लिया बच्चा है मैंने पहले, तो ये बना मेरा yes. इसके बाद में यहाँ पे इसको मैंने ये लिखा है, समझा तुझे पिछले क्वेश्चन जैसा, अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था उसको मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी लिखा है, ये चीज बच्चा मेरी वन बन गई थी, ये वैसी की वैसी आ गई है, डिनोमिनेटर जो था तो था वन का स्क्वायर तो वन ही था और ये ऐसा ही है। अब देख ये इसके आगे मैंने एक स्टेप जो मिस की थी तेरे लिख रहा हूं मैं, तो वन बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये इससे कट गया आंसर तेरा आ गया, समझा अच्छा चलो कंप्लीट कर लो इसको। बड़ू आई आगे, अब गाइस देखो तुम्हारी एक आइडेंटिटी थी नाइन्थ में, अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो प्लीज कहीं लिख के रख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये दोनों आइडेंटिटीज प्लीज फट से लिख लो आप लोग। ऐसा क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, 40
देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया है। अब क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इसमें डायरेक्टली तुमने अपना प्रॉपर्टी लगा दिया। क्या प्रॉपर्टी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तुम्हारा पहले से था ही, करेक्ट। अब ये देखो, ये तो तुम्हारा इतने पार्ट का एक्सपांशन हुआ है। अब बचा हुआ जो एक और टर्म है तुम्हारा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये और ये कट गया और यहाँ का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा वन बन गया, वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। और ये जो बचा हुआ था प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तुम्हारा आंसर बना गया। कुछ भी नहीं, देखो बेटा ये जो है उसका एक्सपांशन तुम्हारा इतना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर जो था वो ये और ये कट गया तुम्हारा, और फिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम्हारी वन हो चुकी थी, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था, डिनोमिनेटर अपॉन वन बन गया, इसलिए उसको हटा दिया, कोई लिखने जरूरत नहीं थी, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा जो था उसको लिख दिया, खत्म कर सकता। समझाया क्या हुआ गाइस? जिनका ये हो जाएगा उनके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे ही है, सिंपलर ही है, अगर तुमको ऊपर समझ में आ गया तो इसे फट से कीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे तुम्हारी दोनों आइडेंटिटीज यूज हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बेटा 725 हुआ है, 29 तक का टाइम दे रहा हूं मैं, 40th और 41st अटेम्प्ट करने के लिए। आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ कीबोर्ड, ठीक है, तो मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा गाइस, कोई क्वेरीज होगी तो मैं आता हूँ आप लोगों के पास आपस में। Guys, I'm back in front of the screen. तो कोई क्वेरीज है अभी तक है किसी को तो प्लीज पूछिए। लास्ट 1 मिनट गाइस। Obviously guys, मीटिंग एंड होगी तो रिज्वाइन करना है आप लोगों को।
चलिए गाइस देखते हैं अब इसको, पहले ये फर्स्ट टर्म वाले को देख रहे हैं हम लोग, तो जाएगा बेटा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल ओवर जो डिनोमिनेटर था, दूसरा वाला यहाँ पे बीच में प्लस था, तो ये जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इससे कट गया मेरा, ये इससे कट गया, ये चीज मेरा वन बना लिया, वन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये मेरा वन बन गया था, वन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कटा कटा आंसर टू हो गया। समझा गई ये क्या हुआ है? हाँ गाइस, हाँ सर, ये फट से कीजिए, जिनका ये हो गया है उनको एक बेटर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ एक छोटा सा हिंट, कुछ नहीं, ये टैन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा वगैरह करना पड़ेगा तुम लोगों को, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं, वैसे सिंपल ही सबके कंसेप्ट तो कोई भारी नहीं है, पर थोड़ा सा अपने को ध्यान दे दे के करना पड़ेगा इस चीज को, क्वेश्चन को। फोर्टी सेकेंड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, 40 सेकेंड वाला। दो मिनट और दे रहा हूं मैं, जैसे 33 होगा हम लोग करेंगे इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस। गाइस आई होप आप लोगों को जब टाइम मिल रहा है तब आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। चलिए अब गाइस देखते हैं, प्लीज एक बार सब लोग जो लोग सॉल्व कर भी है थे, अटेम्प्ट कर भी है थे, एक बार प्लीज पेन छोड़ के एक बार ध्यान दे दो, थोड़ा भारी क्वेश्चन है गाइस ये, प्लीज एक बार देख लो। निहारी का तेरा मैसेज आया, मैं रुक जा बेटा एक बार पहले करके फिर मैं तेरा देखता हूँ। देखो चाहिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, फिर ये जो है अभी के लिए उसके ऊपर कुछ कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं रहा हूँ मैं, मैंने अब एलसीएम लिया बेटा यहाँ पे, तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये इसका एलसीएम लिया। अगेन ये जो है इसके ऊपर मैं कुछ कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं रहा हूं, अब बच्चा लोग ये देख लो, a अपॉन b बाय c मतलब a डिवाइड बाय b बाय c मतलब a मल्टीप्लाई बाय c बाय b, राघव कल ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था तुमने पूछा था बेटा, तो बेसिकली देखो ये यहां जा रहा है, ठीक है,
तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के बाजू में कॉस थीटा गया तो बन गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई इश्यू है गाइस? नो सर। अब प्लीज देखो आप लोगों को इस चीज समझा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। देखो x अपॉन a माइनस बी प्लस y अपॉन बी माइनस ए अगर है तो इसका यस एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बट बेटा ये बहुत रुलाता है। इसकी जगह पे क्या करो आप, यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लो तो इससे क्या हो जाएगा, ये x अपॉन a माइनस बी ये प्लस इंटू माइनस माइनस y अपॉन माइनस बी प्लस a हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस a, मतलब a माइनस बी हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा कंपेरेटिवली इजियर इसमें निकल गया बेटा इसका एलसीएम। देखो वापस समझो क्या बोला मैंने, मेरा वहां था x अपॉन a माइनस बी प्लस y अपॉन b माइनस a टाइप कुछ अगर है, एलसीएम निकालने के लिए ऐसे समय पे ही सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी और b माइनस a टाइप अगर हो तो यहाँ पे भी मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे भी मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, ये तो वैसा का वैसा, इसमें तो कोई मैंने इज्जत नहीं दिया इसको, ये प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस y अपॉन माइनस b प्लस a माइनस वन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ माइनस b प्लस a मतलब a माइनस b। देखो अपने आप तुम्हारा एलसीएम आ गया। तो अगर देखा जाए तो क्या इसको मैं cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा कुछ कर सकता हूँ, बेसिकली इस cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से यहाँ पे भी आना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई बात ही नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर हमारा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये और ये कट गया, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया, चलो मेरा वन वन प्लस cos थीटा साइन थीटा मेरा आंसर आ गया। क्या वो भी आर एच एस था क्या? तो हाँ समझा गया, ये क्या हुआ है तो वो माइनस वन मल्टीप्लाई करने के बाद वापस समझाओ ना। ये देख ये यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे माइनस वन मल्टीप्लाई किया तो तेरा ये आया, ये समझा गया तेरे को? हाँ। अब देख दोनों डिनोमिनेटर सेम थे तो उसको एक ही बारी में लिख दिया है मैंने ऐसा, और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या एंट्री लगा के मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हाँ ठीक है सर। ये तब तक करो जब तक मीटिंग एंड नहीं होती है, फिर मैं न्यू मीटिंग क्रिएट करूंगा, फटाफट करो इसको कंप्लीट। निहारिका तैयार देख रहा हूँ बेटा मैं। सर मैंने भी आपको ये सेम क्वेश्चन का भेजा है। हाँ बेटा ऐसा हो जा, निहारिका तूने जहाँ तक किया है यस वहाँ तक करेक्ट था बच्चा, युतिका देख रहा हूँ मैं। नहीं बेटा तेरा गलत है ना, केस का नाम युतिक का, जो तूने वहां पे जो तूने रेसिप्रोकेट किया है ना ऊपर वहां पे जाके वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, वो वैसा नहीं होता, पहले एलसीएम देना पड़ता है फिर डिवाइड कर सकते हैं बेटा अपन लोग। ओके सर। हाँ बेटा सर जिसमें आपने वो माइनस वन लगाया और आपने वो पलटाया वो कैसे किया आपने बता सकते हैं आप? देख ये अगर मेरा है एक्स अपॉन ए माइनस बी प्लस वाई अपॉन बी माइनस ए अगर है तो ऐसे में मैं दोनों जगह पे माइनस वन ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा माइनस वाई बन जाएगा, नीचे मेरा माइनस बी प्लस ए मतलब माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी बन जाएगा बेटा मेरा, बचा हुआ ये तो वैसा था ही मेरा,